टोटल हमारे पास है 5 वैकेंसीज। एक बहुत बड़ा कंपनी वो प्रोवाइड कर रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसे ठीक हो? बराबर हो तबियत मिजाज ठीक है? तो फ्रेंड्स, अर्जेंट हायरिंग वैकेंसीज अबू धाबी में वो प्रोवाइड कर रही है ये सारी वैकेंसीज। टोटल हमारे पास है 5 वैकेंसीज। एक बहुत बड़ा कंपनी वो प्रोवाइड कर रही है। कंपनी का जो नेम है इजादा एसेट अबू धाबी, ये 5 वैकेंसीज ये प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ज़रूर आप अप्लाई करें। सबसे पहले जो हमारे पास पहला जॉब है, हमारे पास मेंटेनेंस सुपरवाइज़र का जॉब है, और दूसरा हमारे पास स्टोर कीपर का जॉब है, और फ्रेंड्स जो हमारे पास तीसरा है वो क्लीनिंग सुपरवाइज़र का जॉब है। ओके, तो फ्रेंड्स चौथा जो हमारे पास है वो टीम लीडर का जॉब है, और पाँचवा जो आखिरी जो हमारे पास है फैसिलिटी कोऑर्डिनेटर का जॉब है। तो ये बहुत बड़ी आयरिंग्स है। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने अभी तक सैलरी का जो अनाउंसमेंट है अभी तक नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, सैलरी उस टाइम आपको बता देगा जब आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इंटरव्यू के टाइम आपसे सैलरी का भी बातचीत होगी। तो वो फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं जो यूएई के अंदर मौजूद है, जो अबू धाबी में या दुबई में या शारजा में, मतलब यूएई के किसी भी स्टेट में अभी भी मौजूद हैं, वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ना कि वो बंदा अप्लाई कर सकता है जो मतलब यूएई के बाहर हैं, जैसे आप पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, मतलब किसी भी कंट्री से हो वो अप्लाई कर सकता है, बशर्ते कि वो मौजूद हो जाए यूएई के अंदर मौजूद हो जाए, वो सिर्फ अप्लाई कर सकता है। बाकी मतलब कंट्री के बाहर हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए ऑल नेशनलिटी चलेगा, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो वो अप्लाई कर सकता है, बशर्ते कि आपका जो डिग्री है वो बीए पास हो जाए या बैचलर हो जाए। ओके, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एचआर का जो ईमेल एड्रेस है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, तो आप ईमेल के थ्रू अपना सीवी उनके लिए भेज दीजिए, या ईमेल के थ्रू उनसे बात करके पूछ सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस जॉब के लिए। आप अपना सीवी जो है आप इन जॉब्स के मुताबिक बना लीजिए, जिस जॉब में आपका एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस और उसी जॉब के मुताबिक आप अपना सीवी बनाकर इनके लिए ईमेल के थ्रू सेंड करिएगा। और इसके लिए 2 या 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, यूएई का एक्सपीरियंस चलेगा, सिर्फ और सिर्फ यूएई का एक्सपीरियंस चलेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जितना कर सकते हो कर लीजिए। तो फिलहाल अपनी बात इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।